वैसे तो सोशल मीडिया पर आए दिन बहुत से वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी कहानी सुनकर शायद आपकी भी आंखें नम हो जाए। 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के मालवीय नगर में ढाबा चलाता है। उन्होंने इस ढाबे का नाम बाबा का ढाबा रखा हुआ है, लेकिन उनके ढाबे पर खाना खाने के लिए कोई नहीं आता। एक यूट्यूबर ने उनका इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया। इस वीडियो को देखकर कई बड़े लोग उनकी मदद के लिए सामने आए हैं। वीडियो देखकर देश के कई हिस्सों से लोग उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। बॉलीवुड सेलेब से लेकर क्रिकेटर्स तक उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। यूट्यूबर गौरव वासन ने इस बुजुर्ग जोड़े का वीडियो शेयर किया है। उनके चैनल स्वाद ऑफिशियल पर 6 अक्टूबर को ये वीडियो डाला गया था, जहां से ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया। कांता प्रसाद और बादामी देवी कई सालों से मालवीय नगर में अपनी छोटी सी दुकान लगाते हैं। दोनों की उम्र 80 वर्ष से ज़्यादा है। कांता प्रसाद बताते हैं कि उनके 2 बेटे और 1 बेटी है, लेकिन तीनों में से कोई उनकी मदद नहीं करता। वो सारा काम खुद ही करते हैं और ढाबा भी अकेले ही चलाते हैं। कांता प्रसाद पत्नी की मदद से सारा काम करते हैं। वो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और 9 बजे तक पूरा खाना तैयार करते हैं। रात तक वो दोनों दुकान पर ही रहते हैं। लॉकडाउन के पहले लोग यहाँ खाना खाने आया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद उनकी दुकान पर कोई नहीं आता, इतना कहकर वो रोने लगते हैं। ये वीडियो 6 अक्टूबर से बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। उनकी मदद के लिए टीम इंडिया के गेंदबाज रविचंद अश्विन और बॉलीवुड एक्ट्रेस सामने आए हैं। कई यूज़र्स ने बुजुर्ग कपल की बैंक डिटेल्स भी मांगी है, ताकि वो उन कपल्स की मदद कर पाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।